हेलो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया, हम पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन आपके सामने लेके आए हैं डायरेक्ट दिल से प्रोग्राम सेकंड एडिशन। आज आपके साथ और आपके सामने मैं लेके आया हूँ हमारा एक स्टूडेंट एलुमनी और हम बोल सकते हैं प्राउड एलुमनी, हर्षिता मेदी। एंड हर मदर मोरमी बेदी मैम। तो आज हम लोग जानेंगे इनसे उन लोग का दिल की बात और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपका पढ़ाई के लिए, आपका प्रिपरेशन के लिए। और जिस तरीका से ये लोग अपने आप को ग्रूम किए हैं, आज जहाँ पे है उस पोजीशन पे जाने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए हैं, किस तरीका के मेहनत किए हैं, हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग सीधा जाएंगे अभी हर्षिता का दिल के बात सुनने के लिए। मैं आपका डॉक्टर गांधी नायक, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि 3 साल के पहले मैं इसको मालेगांव सेंटर पे अपना टी शर्ट पे देखा था, पीएनसी का टी शर्ट पे। एंड आज उसी स्टूडेंट को एप्रॉन और स्टेथोस्कोप पे साथ देख के अंदर से एकदम गर्व फील कर रहा हूँ मैं। आई एम फीलिंग रियली प्राउड। तो ये एक अचीवमेंट लगता है, एक स्टूडेंट जब आपके सामने सक्सेसफुल होके आ जाते हैं तो आपके लिए गर्व की बात होता है। हर्षिता, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन। एंड आपने तो यू नो जिस ड्रीम के लिए हर स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उस ड्रीम तो अभी मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीका से आपका माँ खुश है, आप खुश हो, एंड यू नो वी ऑल अंडरस्टूड दैट हाउ मच हैप्पीनेस यू आर। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार अपने आपका इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। थैंक यू सर। माई सेल्फ हर्षिता मेधी। मैंने अपना क्लास 11 और 12 केवी मालेगांव से किया है। मेरा 12th का परसेंटेज था 95.6%। अभी उसके मतलब 12 के बाद मैंने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन ज्वाइन किया था, ड्रॉपर्स बैच। उसके बाद अभी मेरे को एम्स भुवनेश्वर में सीट मिला है एंड नाउ आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट इन एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर, बच्चे अच्छे से सुन लिया ना आपने, एम्स भुवनेश्वर इंडिया का टॉप सेकंड एम्स है। एम्स दिल्ली के बाद में अगर कोई एम्स आता है वो एम्स भुवनेश्वर है। एंड सीधा आपके सामने है जो लड़की, उसने भी शायद पहले सोचती होगी कि कहीं पे जीएमसीएच में सीट मिल जाए हमको। तो हम लोग एक बार पूछ लेंगे कि हर्षिता आपने असम में क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपने जाके एम्स भुवनेश्वर में क्यों ज्वाइन किया? सर आपने सही बोला। पहले मेरे को यही लगता था कि असम में कोई भी मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो मैं ले लूंगी। बट जब मैंने पीएनसी एजुकेशन ज्वाइन किया उसके बाद मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई और जब मेरा रिजल्ट आया तो इट वॉज वेरी वेरी गुड। एंड देन व्हेन आई वॉज गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी आउटसाइड असम एंड दैट टू इन एन एम्स, तो तभी मैंने बेझिझक एम्स मतलब आंखें बंद करके मैंने एम्स में एडमिशन ले लिया। और फिर वहाँ का कैंपस लाइफ, एवरीथिंग, नॉट ओनली स्टडीज, एकेडमिकली तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्स। उसके बाद भी को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके बाद एवरीथिंग, सब होता है वहाँ पे, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, हर तरफ से एम्स भुवनेश्वर इज द परफेक्ट एम्स। आप एक बात बताइए, एम्स तो गए आप, तो फर्स्ट ईयर MBBS कम्प्लीट किया आप, तो आप सेकेंड ईयर में आ गई हो, ऐसा क्या चीज़ है कि आप अभी भी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं? क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे यू नो पेट्रियाटिज्म टुवर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के तरफ से जनरली थोड़ा कम रहता है ड्रॉपर बच्चों के लिए। बट आप बताइए कि क्या है ऐसा, क्या है पोटेंशियल पे, पोटेंशियल कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे, कि आपको अभी भी, यू कंप्लीटेड योर यू नो नीट कोचिंग इन 2021 एंड ज्वाइन and today it is 2023, we have seen 2 batches going out, even then you are still maintaining the cordial relation with potential and concept. मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों। जैसे कि हम जानते हैं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस के लिए पढ़ाते हैं ऑल, बट पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन में टीचर देन मैनेजमेंट टीम एवरीथिंग मतलब सबके साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। वो जैसे वर्क करते हैं हमारे साथ वो मतलब बहुत अलग लेवल का है। हम भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे साथ हमारे टीचर्स एंड ऑल भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके। तो इसीलिए आई एम सो मच अटैच टू पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी दे आर इन कॉन्टेक्ट विद मी। वो लोग मेरा हमेशा प्रोग्रेस पूछते रहते हैं एंड ऑल, सो वही। तो ये एक बात बताइए,
तो जब आपने 2021 में ज्वाइन 20 में ज्वाइन किया है, आप कोचिंग कर रहे थे, फिर अचानक कोविड आ गया है, तो मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, अचानक लॉकडाउन का खबर सुना और आपका कोचिंग क्लासेस क्या बंद हो गया है, या नहीं तो कोविड के टाइम पे भी आप लोग का कोचिंग क्लासेस हुआ है, या नहीं तो जैसे क्लासरूम पे आपका टीचिंग या आपका फॉलोअप या आपका मेंटरिंग होता है, क्या ये सब चीज़ आपका कोविड का टाइम पे भी ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन क्लास से जब ऑनलाइन पे आप शिफ्ट हो गए, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू कि इज देयर एनी डिफरेंस दैट यू फाइंड दैट टाइम? मार्च में जब लॉकडाउन हो गया था उसके बाद हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ था, उस वक्त मैं भी कोविड से अफेक्टेड हो गई थी, लाइक फॉर वन मंथ आई वॉज अफेक्टेड इन कोविड, बट देन ऑल्सो पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन ने यह इंश्योर किया कि हमारा स्टडी चलता रहे, तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। उसके बाद हमें हर वक्त हमें बताया जाता था कि ये ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हमें हमेशा गाइड किया जाता था। उसके बाद हमें DPPs प्रोवाइड किया जाता था, उसके साथ ही हर संडे को हमारा ANTS होता था, और ऊपर से मेंटरशिप के लिए गांधी सर तो थे ही, तो वो मेंटर करते थे हमें हमेशा। तो जब आई वॉज अफेक्टेड बाई कोविड फॉर वन मंथ, उसके बाद मैं बहुत पैनिक हो गई थी कि मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं, बट उस वक्त गांधी सर ही थे जिसने मुझे हौसला दिया था कि तू टेंशन मत ले, बस तू पढ़ती जा, तेरी सिलेक्शन हो गई, तू टेंशन मत ले। और साथ में ANTS एंड ऑल उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे को। तो सुना बच्चों, कोविड का टाइम पे एक चैलेंजिंग था ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन पे जाना, एंड फिर भी हम लोगों ने ईमानदारी से बच्चों को, जिस ईमानदारी से हम लोग बोले थे कि बेटा आप पैनिक मत हो, आपका सिलेक्शन के लिए हम 100% हमारे तरफ से ईमानदारी से काम करेंगे, और कर चुके थे, एंड उसका रिजल्ट भी आप आज देख रहे हो। और बहुत सारे बच्चे थे, हर्षिता के बैच से तो 7 बच्चे एम्स में गए थे, एंड वी विल श्योरली ब्रिंग एवरी किड हियर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड उन लोग का भी हम लोग दिल के बात सुनेंगे। बट आप सोचिए, एक साइड पे लॉकडाउन, एक साइड पे अचानक, क्योंकि कभी इन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का माहौल देखे भी नहीं ये बच्चे, मगर उस टाइम पे अचानक ऑफ ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ, एंड दे हैव टू एडजस्ट टू इट, एंड बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए। उसी टाइम पे शी गॉट अगेन अटैक्ड विथ कोविड एंड टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन शी माइट हैव बीन? आप सोचिए, ये जर्नी जो होता है, एक स्टूडेंट का जर्नी जो होता है, वो कभी वो स्मूथ नहीं जाता है। अगर आप सोचते हो कि हर चीज स्मूथली जाना है, वो जिंदगी कभी नहीं बनता है। तो ऐसे हर्षिता का भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लिया है, इस तरीका से उसने एक एक ऑड्स को, अपना लाइफ का एक एक ऑड्स को जीतते जीतते आज उसका मंजिल तक पहुंचा। अभी हम लोग पूछेंगे कि बेटा, मतलब एम्स में ऐसा क्या है एम्स में कि एम्स एक नॉर्मल कॉलेज, नॉर्मल मेडिकल कॉलेज से डिफरेंट है? मैं जानना चाहता हूँ, एक नॉर्मल मेडिकल कॉलेज या एक बहुत, अभी देखिए GMCH आसाम में जाना जाता है कि बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, बच्चे यहाँ पे GMCH के लिए पढ़ाई करते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि GMCH और एम्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहली बात तो उसका टैग एम्स, लाइक इट इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, एंड यू कैन इवन से दैट इट्स फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एम्स टैग के लिए कोई भी एम्स ही लेता है, एंड एम्स भुवनेश्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्स इन अ कंट्री। इट इज़ सेकेंड बेस्ट आफ्टर, इट कम्स आफ्टर, हाँ, सेकेंड इन द लिस्ट आफ्टर न्यू दिल्ली। सबसे पहली बात तो इसमें बहुत इंडिविजुअली आप पे फोकस करके सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। उसके बाद सेकेंड है क्लिनिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत सही रहता है, पेशेंट लोड इतना ज़्यादा रहता है और हमें हर एक टाइप के केसेस दिखाए जाते हैं, हम हर एक टाइप के केसेस देखते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप सीनियर्स को भी अप्रोच कर सकते हैं, वैसा दूसरे कॉलेजेस में नहीं होता है कि सीनियर्स को अप्रोच कर सके, तो हम इजीली सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ के रेसिडेंट्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के रेसिडेंट्स हेल्प करते हैं, और प्रोफेसर्स तो हमेशा लाइक दे आर द बेस्ट प्रोफेसर्स इन अ कंट्री। उसके बाद कैंपस लाइफ तो अलग ही है, बहुत सही है, लाइक ऐसा नहीं है कि एम्स वाले से पढ़ते हैं, वी डू एवरीथिंग, दैट्स द डिफरेंट थिंग। उसके बाद तो वहाँ का कैंपस लाइफ, हॉस्टल्स, खाना, क्योंकि आप तो भुवनेश्वर पे हो तो ओडिशा में हैं, तो यहाँ तो आप असम में असामीज खाना खाते थे,
और यहाँ का कल्चरल फूड है, ट्रेडिशनल फूड इज डिफरेंट, एंड वहाँ का फूड डेफिनेटली वेरी करता है, तो आप एडजस्ट कर लिया? एंड हाउ इज एवरीथिंग देयर? सर खाने पीने को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक फूड एंड ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर. लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ यू आर फ्रॉम असम तो उड़िया लैंग्वेज तो जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू असमीज है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है लैंग्वेज को लेकर. और हिंदी तो हर जगह चलती है, और उड़ियाज मतलब दे अंडरस्टैंड हिंदी, तो आपको पेशेंट के साथ इंट्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और हॉस्टल बहुत सही रहता है, आपको सिंगल रूम्स मिल जाते हैं आफ्टर सेकेंड ईयर. लाइक इन फर्स्ट ईयर यू हैव टू शेयर रूम, बट फ्रॉम सेकेंड ईयर आपको सिंगल रूम्स मिल जाते हैं, आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं. मेस एंड ऑल भी बहुत सही है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, तो कैंपस लाइफ इज बेस्ट. आप शायद आप मिले होंगे, लास्ट ईयर का हमारा एक और स्टूडेंट थी सुपर्णा दास, जिसका 655 मार्क्स आया है, उसने भी एम्स भुवनेश्वर में लेते, और आप उसका यू नो इंस्पिरेशन भी थी. एंड आप मिला, आपसे बातचीत हुआ है, तो व्हाट डिड शी टेल अबाउट पीएनसी? हाँ, मेरी जूनियर सुपर्णा दास, उससे मैं मिली हूँ. उससे यही बताया कि पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन ने जो जैसा वर्क किया है मेरे में, वो मैंने पहले कभी नहीं मतलब देखा है किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, वो भी एक ड्रॉपर है. तो उसने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन 12th के बाद ज्वाइन किया था, और उसने बोला कि इट्स वेरी डिफरेंट जैसा वो वर्क करते थे मुझ में. हर एक मिस्टेक्स मेरा निकालते थे, कोई भी मैं किसी चीज़ में लैगिंग कर रही थी तो वो मुझे हर बार मतलब रिपीटेड टाइम्स वो मुझे वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने का वो देते थे कि करो बेटा वो करो. और उसके बाद कोई भी मिस्टेक्स और एवरीथिंग वो करेक्शन करा देते थे, और ताकि वो अपने पाथवे से ना हटे उसके लिए भी उसे एनकरेज करते थे, और उसके बाद उसको बहुत सपोर्ट करते थे, मेंटली भी सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा. तो देखो बच्चों, एक सीनियर का असर एक जूनियर के ऊपर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा रहता है. तो जब आप सक्सेसफुल बन के आगे जाते हो, आपका गली से, आपका फैमिली से, आपका गांव से, आपका डिस्ट्रिक्ट से, आपका स्टेट से, बहुत सारे बच्चे आपको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं आपको, और वो लोग को लगता है कि ये सोच बड़ी नहीं है, ये सोच डुअबल है, एकदम डुअबल है. अगर वो कर चुकी है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ सबके दिमाग में बिठाना है. हमारा मेन मोटो, अगर हम लोग डायरेक्ट दिल से अगर यहाँ पे ये प्रोग्राम को आपके आंखों के सामने लेके आए, जस्ट फॉर वन रीज़न, आप लोग का मोरेल को अप करना है. आप लोग का थॉट प्रोसेस में बहुत सारे पैनिक्स, बहुत सारे डर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको हटाने के लिए ही हम लोग डायरेक्ट दिल से प्रोग्राम कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और एक पूछेंगे. बेटा, आपका इस जर्नी में, प्रिपरेशन के जर्नी में, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे आपने यू नो हाउ डिड यू ओवरकम योर डिस्ट्रैक्शंस होते थे, यानी तो हाउ डिड यू ओवरकम देम? हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होता था, स्पेशली फ़ोन से. सो मैं स्मार्टफोन यूज़ करती थी लाइक 11th में, बट देन 11th 12th में स्मार्टफोन यूज़ करती थी, बट देन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 12th के बाद, और मैंने ड्रॉप लिया, और उसके बाद पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि इस बार कुछ भी करके मेरे को सिलेक्शन चाहिए. तो मैंने क्या किया था, मेरा स्मार्टफोन मैंने अपने पेरेंट्स को दे दिया था, एंड आई यूज्ड कीपैड फ़ोन फॉर अ ईयर. लाइक दैट मैंने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया था. उसके बाद टीवी एंड ऑल के लिए हम लोग रिचार्ज नहीं कराते थे एक साल के लिए, तो मेरे पेरेंट्स ने भी उसमें मेरे को सपोर्ट किया, तो वो लोग भी नहीं देखा करते थे, मैं भी नहीं देखती थी, और चलता नहीं था घर पे टीवी एंड ऑल, तो उस डिस्ट्रैक्शन से मैं बच जाती थी. फिर फ्रेंड्स एंड ऑल को मैंने समझा दिया था कि यार एक साल मेरे को छोड़ दो, उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे एंड ऑल. तो वैसे मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया था, और जिसके कारण उसी मैं आज यहाँ पे हूँ. तो आपको तो बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, आप बोलने से सुन लिए हैं. तो बेटा, आपने शायद सुना होगा कितना ईमानदारी से उसने बोला कि सर क्लास 11 में मुझे डिस्ट्रैक्शन था मोबाइल का, और उसको ओवरकम करना था, और मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैं मालेगांव में हर्षिता मेदी को मिला था, उसके बाद में उसने बोला था कि सर मैं आपको डेली मेरा रिपोर्ट को भेज नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है. तो मैंने उसको बोला था कोई बात नहीं बेटा, कीपैड पे भेजो,
एंड आप सोचिए कीपैड फोन पे टाइप करना इतना आसान नहीं है, बट स्टिल हर दिन वो 2 बजे 2:30 बजे सोती थी, बट बिफोर शी स्लीपिंग, आप सोचिए पूरा दिन क्लासेस सुनना, कुछ एग्जाम है तो एग्जाम लिखना, उसके बाद में एडिशनल पढ़ाई करना, बच्चे थक जाते हैं। उस वक्त में भी उसको याद आता कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या मिस्टेक्स किया, आज मुझे गांधी सर को बोल के सोना चाहिए। ये जो होता है ना, ये चीज़ आपके दिमाग में जब रहता है, ये आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रखता है, आपको एकदम आपका जो करियर का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तरफ आप देख रहे हो, और आप भूल जाए अगर हिट करना चाहते हो गोल को रीच करने के लिए, ये चीज़ आपको दिखाता है कि आप कितना ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप कितना ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो। और अभी और एक चीज़ मैं हर्षिता से पूछना चाहता हूँ कि हर्षिता, आपका आप जब पढ़ाई प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या हर टाइम आपका स्कोर बहुत अच्छा आता था, हर टाइम 600+ स्कोर आता था आपका? यानी तो अप्स एंड डाउन्स देखा, यानी तो आप बहुत स्ट्रेस फील किया, एंग्जाइटी फील किया, नर्वस फील किया कि इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसे कोई सिचुएशन थे, यानी तो स्मूथली चले गए आपका प्रिपरेशन टाइम? एक बात तो सही है कि ये 2 ईयर्स लॉन्ग जो जर्नी है आपका मेडिकल कॉलेज तक, इट इज़ नॉट अ केक वॉक। तो बहुत सारे हर्डल्स आए और मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन से किए। इट वॉज नॉट ऑलवेज कि मेरा मार्क्स बढ़ता गया, मेरा मार्क्स घटा भी, बहुत घटा, कभी कभी बहुत ज़्यादा घट गया, और बट कभी बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता था। तो जब मतलब कितने कम आते थे स्कोर? हाँ, स्कोर कितना था आपका? हाँ, लीस्ट स्कोर था मेरा 550-530 के आसपास। तो वैसा जब होता था तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि मेरा शायद सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। तो उस वक्त मैं टीचर्स को बताती थी, तो टीचर्स मेरे को उस वक्त मेरे को बहुत मेंटली सपोर्ट करते थे कि ये होता है, ये हो गई और ये सही है कि तुम्हें अब अपने मिस्टेक्स पता चलेंगे, तुम उसमें वर्क कर पाओगे, तुम बहुत अच्छे से वर्क करोगे तो वो सब करेक्ट होते जाएंगे, तो तुम्हारे मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स मेन एग्जाम में घटेंगे। तो तब मैं क्या करती थी, तब मैं और ज़्यादा अपने वर्क को बढ़ाती थी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी ताकि वो सब इम्प्रूव हो। और मेरे जो क्वेश्चन पेपर्स थे ANTS के, मैं एग्ज़ाम देने के बाद उसे रिव्यू करती थी, उसके मिस्टेक्स निकालती थी, फिर वो जिस टॉपिक में मैं लैग करती थी वो सब अलग करके मैं एक्स्ट्रा पढ़ती थी उन सबको, उसके लिए टाइम निकाल के पढ़ा करती थी। तो जिससे कि लाइक जब एंड तक आते हैं तो मेरे मार्क्स बहुत इम्प्रूव होने लग गए और मार्क्स में कॉन्स्टेंसी दिखा और या तो वो इंक्रीज होते रहे। तो सुना बच्चों, कोई भी जर्नी स्मूथ नहीं होता है, जो मेरा पिछले स्टेटमेंट था ये सही था, एक हर्षिता का नहीं है। मैंने पिछले अपना 10-12 साल में हज़ारों स्टूडेंट्स को देखा मैंने सक्सेसफुल होते होते, जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 को भी देखा मैंने। नोबडीज जर्नी इज़ वेरी स्मूथ। बच्चे कभी अप्स देखते हैं, कभी डाउन्स देखते हैं। अभी हम यहाँ पे हर्षिता का मदर है, तो जब अप्स एंड डाउन्स होता है, जब बहुत डाउन होता है स्कोर, हर्षिता का एटीट्यूड या बिहेवियर घर पे कैसे रहता था और उस चीज़ को पेरेंट्स कैसे हैंडल करते थे, हम लोग एक बार पूछेंगे। हर्षिता का मदर है मोरामी मेदी मैम, मैम से पूछेंगे एक बार। मैम आप बोलिए, जब हर्षिता का स्कोर्स या उसको कुछ एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता था, इस चीज़ को आप कैसे, क्योंकि हम लोग तो पता है हम अपने तरीके से एक हैंडल करते थे, तो आप बताइए आप किस तरीके से हैंडल करते थे घर पे? मैंने बोला बेटा आप आराम से पढ़ते जाओ, अपना हार्डवर्क करते जाओ, फिर आपको मिल जाएगा, अपना मंजिल मिल जाएगा। फिर उसको समझाती थी कि तुम परेशान मत हो। फिर उसका पापा भी डॉक्टर है, पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करके करके फिर इम्प्रूव हो जाता है हम लोगों का। वही बात है, वो अपने मन से ठीक से पढ़ा है, बहुत हार्ड लेबर किया, फ़ोन यूज़ नहीं किया था, स्मार्टफोन बंद कर दिया टोटली। फिर TV भी हम लोग रिचार्ज नहीं करते थे उस समय, और फिर कोविड का टाइम था, उसका कोरोना भी हो गया, फिर रोने लग गई कि मुझे तो इस बार नहीं मिलेगा। फिर वो सिसोदिया सर, गांधी सर ने और बाकी जो टीचर्स है फैकल्टी से बहुत उसको हेल्प किया है। सभी फ़ोन पे मतलब उसका साथ डिस्कस करते थे क्या करना है क्या नहीं, और वो भी बोली है कि मतलब डेली जो पढ़ाई करती है वो भेजते रहते थे गांधी सर को कि ये आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, फिर क्या करना है क्या नहीं। ये गांधी सर ने तो बहुत सपोर्ट किया, और ये जितना भी
सर का कोशिश है, उसका हार्ड लेबर है, इसीलिए आज वो एम्स भुवनेश्वर में है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सभी बच्चों अपने आप को ट्राई करो, अपने मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, सबको अपना मंजिल मिलेगी। थैंक यू मैम। हमारा तो काम 20% ही होता है मैम, बच्चों का मगर 80% का मेहनत होता है, क्योंकि ये खेल तो बच्चा को खेलना पड़ता है, एग्ज़ाम तो बच्चों को लिखना पड़ता है, और एग्ज़ामिनेशन तो हर टाइम आपको पता ही है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है कोई बच्चों को। बट जिस तरीका से हम लोग ANTS जितने सारे फुल टेस्ट और ANTS लिखवाते थे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जब मेन एग्ज़ाम पे जाता है ऐसा लगता है कि हम लोग एक ANTS ही दे रहे हैं, ऐसे कभी ऐसे फीलिंग नहीं आया कि हम लोग कुछ नया एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो हर्षिता मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, या नहीं तो अभी जो बच्चे पोटेंशियल अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बताइए कि यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना है बच्चों को, अगर ज्वाइन करने के बाद उन बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरीका से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि वो बच्चे डॉक्टर बन के जाएँ यहाँ से। सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन के जो फैकल्टीज़ है वो टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आपका हर एक डाउट क्लियर करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लेके कभी भी जाओ उनके पास, वो हमेशा रेडी रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ANTS जो एग्ज़ाम्स होता है हर एक संडे, उसका जो लेवल होता है वो एग्जैक्टली नीड बेस्ड होता है, और जो एनवायरनमेंट हर एक सेंटर में क्रिएट किया जाता है वो एग्जैक्टली सेम नीट एग्जामिनेशन हॉल जैसा होता है। उसके बाद ANTS का सॉल्यूशन वीडियोस भी निकलता है उसी दिन, तो एक बच्चा उसको एग्जामाइन कर सकता है कि उसने कैसे एग्ज़ाम दिया है, किस किस पार्ट में वो लैग बिहाइंड कर रहा है, किस किस पार्ट में उससे नहीं हो रहा है, वो उसमें वर्क कर सकता है, अपने मिस्टेक्स को सुधार सकता है। और उसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम भी है हमारा, गांधी सर इंडिविजुअली सबको देखते हैं, हर किसी का एवरीडे क्या क्या पढ़ते हैं वो सब पूछते हैं सर, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाते हैं बच्चे को अपने ट्रैक में रहने के लिए, कि वो अपने पाथवे में सही चल रहा है या नहीं, वो कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, किसी और रास्ते में तो नहीं भटक जा रहा है, तो सर वो सब ख्याल रखते हैं। उसके बाद ANTS में जो टॉप रैंकर्स है उनके लिए एक एक्स्ट्रा से एक बैच बनाया जाता है, उसको रैंक बूस्टर बैच बोलते हैं। तो रैंक बूस्टर बैच में क्या होता है कि आपको हमेशा एक टेस्ट देना पड़ता है। पहले तो हमारा जो होता था, हमारा 2 बजे तक क्लास होता था, उसके बाद लंच ब्रेक होता था, उसके बाद सेल्फ स्टडीज स्टार्ट होते थे, और सेल्फ स्टडीज के बाद हमें क्वेश्चन पेपर्स दिया जाता था एक एक सब्जेक्ट का, उसको सॉल्व करते थे और उसको फिर डिस्कस करके फिर टीचर्स उसको सॉल्व कराते थे, तो इससे हमारा हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता था, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला हमें। तो पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई मस्ट से इन हमें हमारे नीट में सक्सेस दिलाने के लिए। जो वर्क करते हैं वो लोग वो एकदम परफेक्ट है कि हाँ ये सारे करके हमें मिलेगा ही, किसी भी कॉलेज में हमें ज़रूर, मेडिकल कॉलेज में ज़रूर मिलेगा। और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो क्लास नोट्स बहुत सही से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैं क्या करती थी, मेरे कोचिंग होने के बाद मैं 3 घंटे क्लास वर्क कॉपीज पढ़ती थी, ठीक है, तो वो होने के बाद फिर मैं होमवर्क्स कंप्लीट करती थी, क्लास में जो होमवर्क दिया जाता था, उसके बाद जितने भी रिमेनिंग टाइम था उसके लिए मैं अपना सेल्फ स्टडी करती थी। नीट में सबसे मेन मंत्र है सेल्फ स्टडी, तो अगर वो करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद कोई डाउट हो तो मैं उस डाउट्स को एक अलग से कॉपी में लिख लिया करती थी और वो कॉपी लेके नेक्स्ट डे फैकल्टीज़ को दिखाती थी कि मेरा इसमें डाउट है, तो फैकल्टीज़ उसको क्लियर कर देते थे। फैकल्टीज़ ने कभी मना नहीं किया था मेरे डाउट्स क्लियर करने से, तो उससे मेरा टाइम टू टाइम डाउट्स क्लियर होता गया और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते गए। और फिर उसके बाद हाँ, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए, हर एक चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए ताकि आप समझे कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है, मैंने क्या छोड़ दिया है उस चैप्टर से, और मेरे को कौन सा कॉन्सेप्ट एक्चुअली जानना चाहिए अच्छे से ताकि मैं हर एक MCQ को सॉल्व कर सकूँ, मेरा कम से कम सिली मिस्टेक हो। और डिस्ट्रैक्शन से हमेशा दूर रहना चाहिए एटलीस्ट इन इस प्रिपरेशन वाले पीरियड में, तो वही है। तो आपने सुना ना बेटा,
बहुत क्लियरली बोल चुकी है कि उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या था, और अभी हम लोग और एक क्वेश्चन पूछेंगे उसको, पूरा साल में आप कितने दिन एब्सेंट थी और कितने एग्जाम पे एब्सेंट थी आप? मैंने एक भी क्लास नहीं मिस किया था, हर एक लेक्चर मैंने अटेंड किया था, और उसके बाद एग्जाम्स भी मैंने सारा दिया था, एक भी एग्जाम्स नहीं मिस किया था, क्योंकि एग्जाम्स से पता चलता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर एग्जाम्स ही नहीं देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सही पढ़ रहे हैं या नहीं, तो इसीलिए एग्जाम्स देना बहुत ज़रूरी होता है। और कंसिस्टेंसी एग्जाम्स करने में और एग्जाम्स के बाद में अपना जो एरर्स है उसके ऊपर काम करने पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर कोई बंदा है, अगर वजन बड़ा है, वो वजन कमाना चाहता है, वो कम करना चाहता है, अगर दो दिन या तीन दिन 20-30 किलोमीटर भाग लिया, उसके बाद में एक बिरयानी खा लिया, फिर सोचा कि यार दो दिन बहुत कर लिया मैंने, उसका वजन कभी यू नो घटने का चांस ही नहीं है। वैसे ही प्रिपरेशन भी, एग्ज़ाम के पहले दिन जाके आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से कोई भी एंट्रेंस आप क्रैक नहीं कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जिस मंत्रा को हर्षिता मेदी ने भी फॉलो किया है। उसने ना कोई क्लास मिस किया, ना कोई एग्जाम मिस किया, उसने तो बोल भी चुकी है कि जब, मुझे अभी भी पता है जब उसका कोविड हुआ था उस टाइम पे भी एक ANTS था, उसे एग्जाम भी उसने लिखा है, और उसका स्कोर 593 था उस एग्जाम पे, मुझे पता है, आज भी मुझे याद है। उस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था और उसने कॉल किया है मुझे, सर 600 कब पकड़ूंगी मैं? मैं बोला कि कोई नहीं बेटा, लास्ट एग्जाम में तुम्हारा 600 आ जाएगा। बस जैसे ही हम सोचे, और उसने करके दिखाया भी है। तो बात वही है बेटा, स्टे कंसिस्टेंट, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे सिचुएशंस आता है आपको जहाँ पे आपका स्कोर कम आता है, कोई चैप्टर टीचर पढ़ा रहे आप शायद आपको समझ में नहीं आ सकता है, उस टाइम पे आपको लगता है कि यार मैं ट्रैक से बदल रहा हूँ, नहीं, इमिडिएटली आप अपने टीचर के पास जाओ, बैठो अलग से, पूछो प्लीज़ सर हेल्प मी, प्लीज़ मैम हेल्प मी। यहाँ पे सब टीचर बहुत सपोर्टिव है, आपको अपने पास लेके पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, आपका जो हिम्मत आपने हारे थे उस हिम्मत को आपके अंदर फिर भर के रखेंगे। सो जितना आप कनेक्टेड रहते हैं इंस्टीट्यूट से, जितना आप ना फोकस्ड रहते हैं अपना गोल को लेके, तो ये आपके लिए, आपका मंजिल पहुंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, अभी तो हर्षिता मेदी तो हमारे पास आई है और डॉक्टर बन के जा रही है, अभी तो आपने एक और बेटा को हमको दिया है, हमारा PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी है, जैसे बेटा पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट कोचिंग है, एज वेल एज PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी हो, जहाँ पे बोर्ड्स के साथ साथ इंटीग्रेटेड एकेडमी में हमारा नीट और JEE का प्रिपरेशन भी होता है। और अभी हर्षिता का जो भाई है, छोटा भाई है, वो हमारे पास JEE का तैयारी कर रहा है, क्लास 11 में ज्वाइन किया है। मैम आप ये बताइए, हर्षिता तो हमारे पास मेडिकल के लिए तैयारी की है, और आप ऐसे क्या देखा है कि आपको लगा कि इंजीनियरिंग के लिए आपको बेटा को PNC इंटीग्रेटेड एकेडमी में देना चाहिए आपको? आप लोगों का ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने बेटी को आप लोगों ने एम्स दिला दिया, अभी बेटा को भी IIT मुंबई देना है इसीलिए मैंने पूरा आपको सौंप दिया मेरे बेटा को। वही बात है कि आप लोगों का जो फैकल्टीज है, आप लोग जितना क्लोज से बच्चों का साथ आप लोग बिहेवियर करते हैं, सिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह जो उनका जो डाउट रहता है, डाउट को आप लोग क्लियर करते हैं, इसीलिए ये तरीका मुझे बहुत पसंद है आप लोगों का, इसीलिए मैंने उसको LN हो या दूसरा कोचिंग सेंटर में नहीं भेजा है, पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट में डाल दिया मेरे बेटा को भी। बस थैंक यू मैम, और हम 100% ईमानदारी से हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका बेटा को भी उसका मंजिल तक पहुंचवाने के लिए। और आज हम सुने हैं हर्षिता मेदी का दिल के बात, और हर्षिता का मम्मी जो है, मैं हर बार बच्चों को बोलता था, बेटा कभी भी आपका पापा का नाम लेके आपका नाम नहीं बोलना है, आपका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होना है, आपका नाम से आपका पापा या मम्मी का नाम बोलना है। आज यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे यू नो करके दिखा चुकी है एक लड़की ने, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ कि हर्षिता का मम्मी, हर्षिता का मम्मी, तो उसने वो आइडेंटिटी को उसका मम्मी के लिए दिया है।
तो ये एक बड़ी बात होता है। उसके लिए एम्स से जाना, एम्स जाने से भी बड़ी चीज़ है उसका माँ के लिए कि उसने एक आइडेंटिटी लेके आना। तो ईमानदारी से पढ़ो। और लास्टली हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि ये हम लोग ये सीज़न स्टार्ट कर दिए हैं और इस सीज़न को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बहुत सारे बच्चों का दिल के बात को हम लोग सुनेंगे और मैं हर्षिता को एक सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। मैं वांटेडली ये सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि इस पूरा सेशन में मैं उसको हर्षिता बुलाया था वांटेडली, क्योंकि जब वो आई थी यहाँ पे हर्षिता के जैसे, तो इस सेशन स्टार्टिंग पे मैंने उसको, हमारा स्टूडेंट जो हर्षिता है उसको देखा था। अब जब सेशन एंड पे, जैसे कि उसने उस साल का एंड पे डॉक्टर बन के गई थी, तो मैं अभी प्राउडली बोल रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट डॉक्टर हर्षिता मेदी एम्स भुवनेश्वर आपके सामने अपना दिल के बात से। थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सो मच मैम।